सबसे पहले जो हम आपको बताने वाले हैं एसिडिटी के लिए कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बताया कि योगा एक ब्यूटीफुल आर्ट इस तरह से है कि आपकी हर चीज जो आपकी जो ऑर्गन्स हैं वो पेनिट्रेट उसमें होते हैं इसके आसन, राइट. आपने क्या करना है बिहाइंड अपने, ठीक है, आप अपने पीछे हाथों को इस तरह से लॉक करेंगे, इसे योग मुद्रा कहते हैं. आपने ये किया कि अपने हाथों को इस तरह लॉक किया, इनहेल किया और अपने जो शोल्डर्स हैं उनको बिल्कुल आप सीधा रखेंगे. सो आपने इनहेल किया, याद रहे ये एसिडिटी के लिए बता रहे. एक्सहेल करते हुए आप अपने एक नी की तरफ गए. अब यहाँ कुछ देर आपने सांस नहीं लेना, ठीक है, ये आप एसिडिटी के लिए बता रही हैं. इनहेल किया, अब दोबारा एक्सहेल. अब इसमें क्या हो रहा है वो साथ ही साथ बताना जरूरी है. ये चीज जो मैंने आपको बताई ये एक साइकिल है. एक साइकिल जब आप ये कर लेंगे तो आपने तकरीबन 10 से 12 साइकिल एक टाइम में इसकी करनी है. जैसे आप इसको कर रहे होगे आपको फील होगा कि आपका एक तो बेली फैट चला जाएगा. एसिडिटी वालों को ये भी इशू होता है, बेली फैट साथ ही कवर हो रहा है. अब हम जो चूंकि साइड पर जा रहे हैं तो आपके जो साइड एरियाज है वो भी कवर होंगे और आपकी जो एसिडिटी का इशू है वो कम हो जाएगा. अब एक जो इसी को कंटिन्यू करते हुए एक एक्सरसाइज में बताऊंगी. अच्छा, नाम इसके बहुत इंटरेस्टिंग से होते हैं. इसे कहते हैं पवन मुक्त. पवन मुक्त ये देखिए इंडियन नाम लग रहा है. तो ये यस, क्योंकि योग जो ज्यादातर जो है उन लोगों ने अडॉप्ट किया था, वैसे उसका इतना ताल्लुक नहीं लेकिन उन्होंने अडॉप्ट किया था. अच्छा, इसमें क्या होगा, आप अपनी लेग को सिर्फ स्ट्रेच करेंगे यहाँ तक लेकर आएंगे, राइट. अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसको कुछ देर के लिए यहाँ पर रखा, अब दूसरी लेग पर आप स्विच करके चाहे तो इसको स्ट्रेट रखें या अपनी ईज के लिए यहाँ पर. लेकिन एक चीज याद रहे, अगर आपको नी का प्रॉब्लम है तो आपने यहाँ से अपने हाथ को ज्वाइन करना, इस पर प्रेशर नहीं डालना, ठीक है. अब दूसरी चीज, इसको जब ज्वाइन करोगे, जो मैं ब्लड प्रेशर की बात कर रही थी, आपने दोनों लेग्स को इस तरह रखा, लेकिन एक चीज याद रहे, अगर आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू है तब आप इसको सिर्फ सिंगल लेग से करेंगे, ठीक है, ठीक है. दोनों लेग्स के साथ आप नहीं करेंगे. दोनों लेग्स के साथ इसलिए नहीं करेंगे कि वो प्रेशर आएगा आप पर और उसका फिर आपको इशू होने शुरू हो जाएगा और वहां पर आपकी हार्ट बीट तेज होगी तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू ज्यादा रहता है तो याद रखें, हम पहले भी इस चीज को बता चुके, एक दफा फिर रिपीट कर देते हैं कि आपका जो बॉल ऑफ द फुट होता है उसके बिल्कुल सामने जो उससे ऑपोजिट जो जगह होती है, जो आपकी छोटी जो आपकी उंगली होती है उससे नीचे, उसको आप प्रेस करते रहो, ठीक है, ठीक है. तो उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, जो हाई ब्लड प्रेशर है वो आपका कम. मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर ना आप याद रखें, डाउन करते हैं बीपी, वो बीपी तो सबको होता है. मतलब बीपी ब्लड प्रेशर तो सब में है, हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर जिनको है वो उनका लोअर हो जाएगा, ठीक हो गया.